बाल संप्रेषण गृह से 5 लड़के किचन की खिड़की के रास्ते फरार हो गए। रीवा के बाल संप्रेषण गृह से इसके पूर्व भी बच्चों के भागने का मामला सामने आ चुका है। समान थाने पुलिस जांच में जुटी हुई। बाल संप्रेषण गृह से 5 लड़के किचन की खिड़की के रास्ते फरार हो गए। रीवा के बाल संप्रेषण गृह से इसके पूर्व भी बच्चों के भागने के कई मामले सामने आ चुके हैं। समान थाने की पुलिस जांच में जुट गई। हम आपको बता दें, बाल संप्रेषण गृह से 5 लड़कों की फरारी के बाद हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया है रीवा में। यह पांचों लड़के रात को अच्छा खासा खाना पीकर सोए थे। सुबह जांच करने पर यह बाल संप्रेषण गृह में नहीं मिले। खोजबीन करने पर पता चला यह पांचों किचन की खिड़की के रास्ते फरार होने में सफल रहे हैं। रीवा बाल संप्रेषण गृह से 5 बाल आपचारी रसोई की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। संप्रेषण गृह में तैनात सुरक्षा कर्मी को जब इस बात की जानकारी हुई तब उसने खोज खबर ली। खोज खबर लेने के बाद उसने इस बात की जानकारी वहां पर जिम्मेदार लोगों को उपलब्ध कराई। इसकी सूचना समान थाना पुलिस को भी दी गई। अधीक्षक ने बताया सभी बच्चे गंभीर धाराओं के आपचारी थे। रीवा के अलावा सतना सीधी से लाए गए थे। हम आपको बता दें, मामला समान थाना के बाल संप्रेषण गृह का है। यहाँ कुछ दिन पहले 5 आपचारी को लाया गया था। इन पर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। शनिवार की दोपहर यह सभी संप्रेषण गृह के साथ साथ देखे गए थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहे। शाम को समय सभी ने खाना खाया और नाश्ता भी किया। रात में पांचों को सोने के लिए उनके कमरे में भेजा गया। यह सभी सोने चले गए। रविवार के तड़के लगभग 6-7 बजे पांचों बाल आपचारी रसोई घर में पहुंचे और खिड़की को तोड़कर भागने में सफल हो गए। इनके फरार होने की सूचना सुरक्षा कर्मियों को देर से लगी। घटना की सूचना मिलते ही पतासाजी शुरू कर दी गई। साथ ही समान थाने की पुलिस को भी सूचना दी गई। समान थाना पुलिस के TI सुनील गुप्ता सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जांच प्रारंभ कर दी गई। पुलिस का दावा इन्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा। बच्चों के परिजन सहित संबंधियों को सूचना दे दी गई। तलाश में टीमों को रवाना कर दिया गया। यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई बच्चे यहाँ से फरार हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों पर भी हमले हुए, बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते अभिचारी भागने में कामयाब रहे। माना जा सकता है ये 5 के पांचों लड़के गंभीर धाराओं में यहाँ पर लाए गए थे। इन्होंने पहले से ही तय कर रखा होगा, इन्होंने नजर दौड़ाई खिड़की के रास्ते हम फरार हो सकते हैं। मौका देखा, जैसे ही उनको मौका मिला वो खिड़की पर किचन की खिड़की पर पहुंचे, उसको तोड़ा और उसके रास्ते फरार हो गए। अब पुलिस इनकी जुट गई है इनको खोजने में। इनके परिजनों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। पुलिस का कहना है हम सब कुछ को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। हमने इस पूरे मामले को लेकर अधीक्षक रमेश रजक से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने घटना को लेकर हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जी, 5 बच्चे भागे खिड़की जाली तोड़ के किचन की। कई बार हो चुका है ऐसे बात। अब पूर्व में नहीं मता मुझे अभी, लेकिन मेरे सामने अभी बार। कैसे पता चला आपको कितने लोग गए? पता चला कि 5 बच्चे चले गए। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आया होगा? नहीं, वो तो सवेरे के समय गए हैं, इसलिए कैमरे में आया होगा सीसीटीवी। सुरक्षा कर्मी गार्ड थे एक, और स्टाफ था, मेट्रन था। किस मामले में? उदाहरण अब ये क्या, आप तो ये बोले कि आप वो जांच चल रही है उसकी बता देंगे आपको। जो बनते अलग अलग धाराओं में थी। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? अभी मैं आया था संस्था में ही था, आया था पता चला। क्या नाम है आपका? रमेश मौर्य। पहले भी प्रयास? अब नहीं, अभी तो नहीं प्रयास। तो रात से प्रयास थे, लेकिन रात को हमने रात भर थे यहाँ पे तो नहीं। भागे कितनी समय है? सवेरे करीब 8:40।